हाँ अभी तो हम सबके लिए शौक ही है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा शौक है कि फाइनली आ गई हैं। वेलकम बैक मैडम, कैसी थी आप, कहाँ चली गई थी? तो फाइनली डिज्नीलैंड से निकल के अब रावत हाउस में, रावत लैंड में आ वापस आ गई गई हैं। हैं तो अपने प्रिंस के बहुत, पास। अरे वाह क्या बात है, तो काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ा शॉकिंग है कि क्या हो गया ये एकदम से, किसी को भी उम्मीद नहीं थी, बट हैप्पी दैट यू आर बैक। क्या कर रहे हो मेरे लिए स्पेशल? बच्चों को बुलाया आपने? स्पेशल बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों को बुलाया हुआ मैंने, आते होंगे, ऑन द वे हैं। शाम को एक इसको और थोड़ा खुश कर दूँ, इसने हमें खुश किया तो अब मेरी भी थोड़ी सी वो बनती है, क्या कहते हैं, क्योंकि आज हमारी 6 months एनिवर्सरी है ना। हाँ वो सिक्स हाँ, मंथ्स एनिवर्सरी पूरी हुई है, तो मैंने कहा एक अपनी तरफ से मैं भी एक सरप्राइज़ दे देता हूँ उसे। तो क्या सरप्राइज दे रहे? सिक्स पूछो मंथ तो। एनिवर्सरी पे सरप्राइज तो फाल्गुनी की तरफ से सुयश को ही मिल गया, याद हाँ मतलब रखना। मेरे को सरप्राइज़ देने का मौका दिया नहीं इसने, मुझे ही इतना बड़ा सरप्राइज़ मिला है, थैंक्स टू यू। पर फिर मैं देखती हूँ कि इन्होंने बच्चों को बुलाया, चॉकलेट्स बांट रहे हैं, उन्हें टॉयज बांट रहे हैं, और हाँ ये तो बोलते वो हैं कि मैं इसलिए इतना खुश हूँ क्योंकि मेरी फाल्गुनी मुझे वापस मिल गई। आई हैव बिकम वेरी इमोशनल एंड वो आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि क्या कहते हैं कि हमें फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए और आज से तुम कोई आंसर नहीं भाओगी। एंड ही गेट्स मी टू द मंदिर और और बच्चे बोलते फिर हैं कि ले लो सब चॉकलेट ले लो, फाल्गुनी सुयश को उसकी फाल्गुनी मिल गई है, दिस इज फैक्ट। दिस इज रिटन इन द डायलॉग्स। या हाँ, तो फिर ये मुझे मंदिर में लेके आते हैं और वो बोलते हैं शुरुआत कैसे हो रही है हमारी। ही टेक्स फेराज विद मी अगेन। और जब ऐसा होता है तो फॉरेन में ऐसा होता है कि अगर आप रिन्यू करते हो अपने मैरिज को तो एक आप एक नई चीज़ ऐड करते हो उसमें कुछ, हाँ एक बेसिकली और वॉ लेते हो। तो फिर अभी इन्होंने एक और कसम ली है, वो विधान के सामने ये बताते हैं। एंड आई बिकम वेरी ब्लशी ब्लशी, यार मैं ब्लश करती हूँ और ये खुश हैं, हम सब हाँ खुश हैं। हाँ काफ़ी ब्लश है। मैंने मूवीज में देखा है कि लाल सिंदूर भरने के लिए हाथ काट के खून से भरते, तो इस बार तो सुरेश को कुछ और ही करने वाले हैं, हाँ कुछ कुछ डिफरेंट करूँगा कलर ये क्योंकि सब। अभी आप पता है क्या करते हो? आप बोलते सिंदूर किधर, तो बच्चे आपने कलर्स भी बांटे हैं बच्चों को, तो तो बच्चों से बच्चे कलर कलर लेके लेके, लगा देते। हाउ थॉटफुल ना, इंटेलिजेंट। पर थैंक यू। फाल्गुनी की याददाश्त आई कैसे, मतलब अचानक से इन्होंने डेट प्लान की होती है मैंने डेट फाल्गुनी के प्लान की है लिए। इसके लिए और ये मुझे एक बंदूक से मारने की कोशिश कर रही हैं, जहाँ अटेम्प्ट टू मर्डर ये कर चुकी हैं, और और मैं जैसे तो बच गोली गया हूँ, लगती है जैसी गोली लगती है मैं तो बच जाता हूँ, मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं बच गया हूँ, लेकिन मैडम बेहोश हो जाती हैं उसकी गोली की आवाज़ से मुझे और ढम कुछ होता फिर है और मैडम को गोदी सब में उठा के याद लाना पड़ता है और मेरा अच्छा वर्कआउट हो जाता है। हाँ लेकर आते हैं जानबूझ और के आप रिटेक्स लेते हो क्या उसमें? नहीं नहीं ऐसा नहीं, सॉरी। हेलो, तो फिर कितनी खुश है फाल्गुनी नो नो आज? बोलो ना, मुझे तो हाँ पहले पता मैं नहीं अभी होता कि करता ये हूँ, मेरे को क्यों ऐसे आधा बोल रहे, घंटा क्योंकि दोगे? सब हाँ लोग इतना हैरान हो जाते हैं कि आप ठीक हो, आप ठीक हो, तो मैं हाँ पहले हाँ कहती हूँ क्या ठीक हो है गया, ठीक है, डन क्योंकि मुझे तब की याद है हॉस्पिटल डन की, डन और डन उसके डन। बाद जब मैं और उत्तरा जी कुछ? को देखती हूँ तो मुझे याद आती हैं सारी चीज़ें, और फिर मुझे याद आता है कि हाँ मैं बच्ची बनी थी, और फिर तो मैं भी खुश हूँ और सब खुश हैं। तो